हे गाइस हाय, मैं हूँ सूरज। सो हे गाइस, मैं आज बना रहा हूँ फर्स्ट ब्लॉग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वो भी खेत में जो मेरे साथी भी मेरे साथ आया है। उस साथी का जो खेत है उसमें पानी पटाने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे खेत है और पानी पटाने का मशीन जो है वो वहाँ पर है। ठीक है, वहाँ पर है। वहाँ से हम सीधे उसका पाइप जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो दिख रहा है आपको, वो पाइप सीधे उधर उधर आगे तक जाता है। उधर आगे खेत है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। तो गाइस, हम लोग वहाँ पर पानी पटाने के लिए आए हैं। और तो मेरा यहाँ पर एक जो जिसका मशीन है वो बाबा यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं बाबा हमारा चिलम बना रहा है। तो बाबा, आपको ये गाना खाने में कैसे लगता है? मजा नहीं आ रहा है। ये पीने में कैसा लगता है? जो बाबा कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ बोलिए बाबा, सिर्फ ऐसे हाथ दिखा रहा है। जो कुछ नहीं बाबा बोलिए ना, थोड़ा कुछ भी आप कुछ बोल सकते हैं। बोलिए बाबा, हाथ दिखा रहा है, सिर्फ ऐसे कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है बाबा। Do it! बाबा का मशीन है, इसी का मशीन है बाबा का, जो पानी पटाने के लिए यहाँ पर आया है। बाबा बोलिए ना, जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। शांति बच्चा, शांति। हर कष्ट का निवारण है शांति। तो बाबा का भोले बाबा के भक्त है, जो भोलेनाथ के यादों में मगन है। शायद उतना हिंदी हमको नहीं आता, इसीलिए भाई उतना प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा आप लोगों को, मुझको भी झेलना पड़ेगा। तो क्या करूँ, तो मेरे बाबा चप्पल कैसा लगा था सो आप देखिए। चप्पल ये देखिए, चप्पल आप देख सकते हैं, इस तरीके का चप्पल लगाता है बाबा। तो मजा आया। ये बाबा है जो हमारे साथ सेल्फी लेना चाहता है। बहुत अच्छा है ये डमरू बजाने वाला हूँ, जो मुझे इतना ज्यादा बजाने नहीं था, जो बजा रहा हूँ। प्रॉब्लम है। सो कौन बाबा आगे, तो आगे और जाना पड़ेगा हम लोगों को। सो पाइप आगे है, खेत है चारों तरफ। इसी खेत में हम लोग पानी पटाए, जो मकई का खेत है, मकई का। ये पाइप में पानी भर गया है। सो इसको निकाल के, नहीं तो ऐसे तो नहीं ले जा सकते ना, तो हम ऐसे नहीं ले जा सकते। इसका जो पानी है इधर सीधे वहाँ से आगे जाके जो हम लोग आपको दिखाने वाले हैं। सो आगे जाके इस पाइप से जो पानी है जो इधर से निकलेगा आगे, यहाँ से जो मेरा दोस्त है वहाँ से उठा रहा है, ऊपर की ओर उठा रहा है। ऊपर से उठा के जो पाइप है सीधे इस खेत में जाएगा, और हम इस पाइप को दूसरे खेत में लगाएंगे रे। दूसरा खेत में लगाना पड़ेगा। इसमें फिलहाल इसका जो चारों तरफ का जितना था पानी इसमें पट गया है। सो आप दूसरा खेत में ले जाना पड़ेगा। सो गाइस, ये पानी सब खत्म हो गया है, इधर नीचे से पानी आ रहा है। सो इसको बांधना पड़ेगा, पानी इससे बाहर नहीं आ पाएगा, इसीलिए खेत के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। सो गाइस, हम लोगों का ऐसा ही जिंदगी है, ऐसे ही जीना पड़ता है, क्या करें। मैं गरीब हूँ। सो गाइस, पाइप इधर आ गया आगे। सो दोस्त, मेरा दोस्त वहाँ पर है। सो पाइप कब लेके जाएगा रे? ब्लॉग बना भी चाहिए तो तुरा के था। कैमरा लाइए, ब्लॉग बना भी चाहिए हम सब की, मतलब आ लिए तो ब्लॉग बना भी ला, तो तू सब मिल गया, चलो ठीक है।
ये आंटी लोग मिल गया, सो बोल रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं कि हम ब्लॉग बनाते हैं, ऐसा वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सो हे गाइस, फाइनली हम लोग खेत से थोड़ा वहाँ मशीन के पास आ गए हैं। सो उधर पानी के पानी पटा चुका है, जितना था पट गया। सो गाइस, अब हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद जो काम है वो करेंगे। तो थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत जोर से प्यास लग गया। अरे बाबा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। फाइनली पानी है यहाँ पर। सो गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत जोर से प्यास लगा था बाबा, पानी भी नहीं उठ रहा है, बहुत भारी लग रहा है हमको, बहुत सारा पानी है इसलिए थोड़ा भारी लग रहा है, फिर भी एक हाथ से पी लेता हूँ। शांति मिल गया, थोड़ा बाबा थोड़ा और पी लेता हूँ। देखते हैं आगे गाइस। सो हे गाइस, अब मशीन चालू होगा और खेत में पानी पटना शुरू हो जाएगा। सो बाबा स्टार्ट कर रहा है, सो स्टार्ट जनरेटर पंपी पंप। ओ गाइस, चालू हो चुका है। सो गाइस, पानी जब से जाएगा जब से खेत की ओर। सो खेत की ओर जय ओम बाबा। बाबा ने स्टार्ट कर दिया, अब पानी पड़ेगा और खेत में पौधा उगेगा और फल मकई पैदा होगा और मकई खाएंगे हम लोग। सो गाइस, खाना में देखिए क्या है, जो गाजर है, काबर है, गाजर है, गाजर खाएंगे थोड़ा पेट। बाबा ने पेड़ा दिया हमको, देखिए पेड़ा। सो बाबा ने हमको एक मिठाई दिया जो हम खाएंगे, और आशीर्वाद भी दिया कि खाओ और हमेशा खुश रहो और हंसते रहो। सो गाइस, मैं खाता हूँ बाबा का हाथ का दिया हुआ पेड़ा। सो बाबा नाच कर रहा है तो मैं खाता हूँ। बाबा धुन धुन के नाच कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Peda hai. So guys, man karta hai, aur hoga, aur hota to khane mein bahut maza aata hai, par ek hi hai, baba ne diya wo bhi. So mujhko acha lag raha hai aur maza aa raha hai. Bahut maza aa gaya baba, kha ke. बहुत मीठा था। सो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस, बाबा तैयार हो रहा है। सो गाइस, बाबा एकदम से डेंजर तरीका से भोलेनाथ के भक्त है, भोलेनाथ के यादों में मगन हो चुके हैं। सो बाबा शक्ति दे रहे हैं। सो गाइस, बाबा एक बार डांस करके दिखाइए, बाबा डांस करके दिखाइए। बहुत अच्छा डांस कर रहा था, बहुत अच्छा लगा हमको, मज़ा आया। सो इन्जॉय, बाबा का फीलिंग देख के हमको बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं मत कीजिए, हाँ कर दीजिए और हमारा वीडियो देखिए और आप इन्जॉय कीजिए, मज़ा आया, जैसे होता अंदर का फीलिंग। सो गाइस, चैनल को लाइक कर दीजिए। सो बाबा भी बोल रहा है चैनल को लाइक कर देने के लिए। सो बाबा एक बार बोलिए तो चैनल को लाइक कर देने के लिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, जोर से बोलिए बाबा, जोर से बाबा, जोर से बोलिए ना, चैनल कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लोग जा रहे हैं घर, तभी मशीन से पानी पटा खेत में पानी पटा लिया। ठीक है, तो जा रहे घर, साइकिल वहाँ पर रखा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, और एक यहाँ पर एक नदी है जो यही से पट रहा था पानी, तब वही थे वही है। तो अब घर जाएंगे, भूख लग गया है ज़्यादा, तो क्या करें, जाना पड़ेगा। ठीक है ना गाइस, अब तो नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। सो गाइस आगे साइकिल वहाँ आगे रखा हुआ है, तो थोड़ी दूर जाना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि गाइस यहाँ पर कुछ मछली उछली मारना पड़ेगा क्या। मछली उछली रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो मछली तो नहीं है, यही साइकिल है जो हम लोग घूमते हैं कभी कभार टाइम पास में, अच्छा लगता है घूमने के लिए। तो क्या करें, वो बोतल है वही पानी लेके आए थे हम लोग। साइकिल मेरा दोस्त किना हुआ है, कितना में लिया है साइकिल? साइकिल लिया हुआ है बहुत अच्छा है, कितना में लिया? मेरा दोस्त कुछ नहीं बोल रहे थे, कोई नहीं, वो मेरे को बोला था कि मैंने 7-8 हज़ार में लिया है, मेरा दोस्त जो है बोला था। एक चीन रिलैक्स होने के लिए रुक गए हैं, सो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा यहाँ पर ठंड है और अच्छा लग रहा है। उधर बांस है जो सूरज का परछाई के कारण से हम लोगों को छाया दे रहा है, और हम लोग मस्त से आराम से यहाँ पर रुके हुए हैं। कोई नहीं, थोड़ा कपाल उपाल सही कर लेते हैं, थोड़ा बिगड़ गया है तो मेरा बहुत बड़ा केस है, क्या करूँ दोस्त। अच्छा लगता है तो इसीलिए लगाता हूँ, अच्छा लगता है इसीलिए लगाता हूँ। तो ये मेरे ओ भाई, मेरे पार्टनर ओ ओ ओ ओ बवाल है, खतरा से खतरा ये लड़की। अनि गाइस हामी एक दिन पछि लाग्छु, अनि एक दिन ओ सोल्टी नेपाली हो यही बस गर्दैछु। सो गाइस एक दिन पछि घर जान्छु, अनि तपाईहरुको यताको ब्लग लगाउँछु। गाइस आज का ब्लग यहीं पे खत्म, तो हम और साथी जा रहे हैं घर। तो ठीक है, बाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, अभी के बज गए कितना बज गए, टाइम हो गया, कितना हो गया, 3 बज गया, 3 बजने में 3 मिनट बाकी है, 3 बजने में 3 मिनट बाकी है। हम लोगों का नेपाली टाइम है, 3 बजने में 3 मिनट, देख सकते हैं इधर आप। तो दोस्तों आपको चैनल क्या बोलूँ, पता नहीं चल रहा है, हिचकिचा रहा है मन। सो गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, बस इतना ही।